जब ससुरारी जइबा ना तब एकर मतलब समझ में भाई सुन ल बाद में साली से रहस्य समझ ली है ना। एगो राम जी जब बारात लेके पहुंचे तो जब शादी तो हो गई जब कलेवा खिलाया जाता है शायद जानते होंगे आप। तो जब वहां की जो महिलाएं थी वो कहने लगी ए पहुना इतना सुंदर राम जी थे कि कहने लगे ए पहुना तनी वो काम करा तू यही जर रह जा तनी हमनियों की सेवा के मौका दे दे आ कहा तरीके से आई कि ए पहुना यही हां तू ही बन जा बच्ची तू पढ़वा नहीं तू ब्याह कर ले जल्दी से कि ए बहुना यही मिथिले हो कहने लगे ए पाहुन कुछ दिन यही मिथिला में रहके तनी हमनियों के सेवा करू आइए चलते हैं कि ए बहुना यही मिथिले में रहूना ए
आशीर्वाद मैं बाद में पढ़ूंगी, लेकिन ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। आप लोग आपस में ले लीजिएगा। एक म्यूजिशियन के लिए ताली बजा दो, आपके क्षेत्र के हैं और बहुत अच्छा आप बजाते हैं। कभी कभी मेरी कहीं कहीं कहा सुनी हो जाती है बजाते समय, लेकिन आप लोग इतना अच्छा बजा रहे हैं ना, इतने अच्छे हैं स्वभाव के। मैं बस यही प्रार्थना करूंगी कि माँ सरस्वती हमेशा आप लोगों के ये जो उंगलियां हैं इनमें हमेशा विराजमान रहे, और आप लोग हमारे पूरे हिंदुस्तान पे राज करिए। बहुत अच्छा आप लोग बजा रहे हैं। और भी फरमाइश थी, मैं गा देती हूँ, है ना। अच्छा हिंदी रिमिक्स चाहिए। अभी कब गाए थे, कहाँ थे? अच्छा ठीक है, बताइए ना भैया। एक तो इन लोगों के मन का भी गा देते, ज्यादा नहीं तो चाल लाइन है ना, माइनर कर दीजिए। थोड़ा मोड़ा जो ठीक ठाक लगता है ना, वो थोड़ा मोड़ा गा देते हैं, मतलब उतना भी